शुक्रवार को भाजपा विधायक आशीष शेलार की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिस दौरान बेड में आरोग्य कर्मचारी पर हुए हमले और ओबीसी आरक्षण समेत अन्य मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है। इस वक्त उन्होंने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। भाजपा के विधायक और मुंबई के शहर अध्यक्ष आशीष शेलार नागपुर दौरे पर है। इस दौरे के दौरान उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा की और महाविकास सरकार के नेताओं का अपने शब्दों में समाचार लिया। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री अजित पवार का पेट में दौरा था, जिस दौरान कुछ आरोग्य कर्मचारियों ने उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया, जिस दौरान उन पर लाठी हल्लापा, जिसका निषेध भारतीय जनता पार्टी विधायक आशीष शेलार ने शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरोग्य कर्मचारियों के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। वहीं राज्य सरकार द्वारा जहां हमेशा केंद्र की ओर उंगली उठाई जाती है, तब इस बारे में उन्हें केंद्र सरकार से कुछ सीखना चाहिए। यांचा दौरा असताना कोविडच्या या पार्श्वभूमीवर कोरोनाच्या या काळात स्वतःचा जीव धोक्यात टाकून काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर लाठी हल्ला झालाय, याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो। खरं तर त्यांच्या मागण्या ज्या मला कळल्या त्या अतिशय साध्या आणि करण्याजोग्या आहेत। त्यांच्या नेमणुका केल्यानंतर त्यांना मिळणारे भत्ते, त्यांचा वेळेतला पगार, त्यांच्या वेळात सुविधा आणि अजूनही परिस्थिती काही जिल्ह्यातली सुधारलेली नसताना त्यांच्या हातात दिला जाणारा नारळ हे काही योग्य नाही। एका बाजूला महाराष्ट्रात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लाठी हल्ला होतो आहे आणि दुसऱ्या बाजूला देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदीजींनी आज एका क्रॅश कोर्स लॉन्च केलं, ज्यामध्ये 1,00,000 युवकांना आरोग्य सेवक, आरोग्य मदतनीस या काळामध्ये स्किल डेव्हलप करण्यासाठीचा कार्यक्रम घोषित केला। विजय वडेट्टीवार द्वारा ओबीसी आरक्षण पर केंद्र सरकार को एम्पिरिकल डाटा नहीं देने का आरोप लगाया गया था, जिसके प्रति उत्तर में विधायक आशीष शेलार ने कहा कि वडेट्टीवार ने अपनी गलती छुपाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है और उनकी सरकार की गलती की वजह से ही ओबीसीओं को मिलने वाला राजकीय आरक्षण समाप्त हुआ है। हेराफेरी क्रमांक 3 हा वडेट्टीवारांचा प्रश्न म्हणजे याचं कारण इम्पेरिकेबल डाटा हा केंद्राने देण्याचा विषय आहे का याच्यावरचा त्यांचा अभ्यास नाही। राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून त्या माध्यमातून गोळा करणारा डाटा याला इम्पेरिकेबल डाटा सुद्धा म्हणता येतो। हे आरक्षण राज्य सरकारने आपल्या अंतर्गत येणाऱ्या कायद्यातल्या सुधारणेतना केलेलं आहे आणि त्यामुळे जे काम आपण करायचं आहे ते करू शकलो नाही आणि ते न केल्यामुळे आरक्षण गेलं, आता तोंड कसं दाखवायचं म्हणून असत्य पसरवण्याचा वडेट्टीवारांचा प्रयत्न आहे। आपली जबाबदारी करा हा त्यांना आमचा सल्ला आहे। बीसीएन न्यूज के लिए राजकुमार मोहोड के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।